बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे अवर टॉपिक इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड फॉर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट वी डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू अंडरस्टैंड द टर्म न्यूक्लिक एसिड एंड आल्सो डिस्कस अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। फर्स्ट, व्हाट इज अ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिफाइंड एज इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड द इट इज कंपोज्ड ऑफ unit which is known as nucleotide. This nucleotide consists of three parts, that is pentose sugar, nitrogenous bases and phosphoric acid. Pentose sugar is the 5-carbon sugar, while the nitrogenous bases, there are different nitrogenous bases present: adenine, thymine, guanine, cytosine and uracil. The thymine is present in DNA while uracil is present in RNA, and at last it contains the phosphate group, that is phosphoric acid. जो आपके पास nucleic acid है वो आपके पास है polymer है। किस चीज़ का polymer है? It is the polymer of nucleotides. अब nucleotide क्या है आपके पास? nucleotides में आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, pentose sugar, जो आपके पास 5-carbon sugar है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, आपके पास डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो आपने याद रखनी, एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरोसिल। थायमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है और यूरोसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ जो इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड आपका बन रहा है वो है फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा तीसरी चीज़ इसके पास क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। जो भी आपके पास पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब आपके पास फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आपके पास 5-कार्बन शुगर है। 5-कार्बन शुगर से क्या मुराद है कि आपके पास ये देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5 5-कार्बन शुगर है। 5-कार्बन शुगर में अगर आप ये देख लें, सेकंड पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, डी का मतलब होता है नॉट, ऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसी आपके पास शुगर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन की जगह क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की में से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है, तो ऐसी आप शुगर को क्या बोलेंगे? डी ऑक्सी राइबो शुगर। ये भी 5-कार्बन शुगर है लेकिन इसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। और राइबो शुगर में क्या होता है कि जो सेकंड कार्बन है उधर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन रिमूव नहीं है, तो ऐसी शुगर को, ये भी पेंटोज शुगर है, 5-कार्बन शुगर है, और ऐसी शुगर को भी हम राइबो शुगर कहेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव नहीं है। और ये आपके पास दो तरह की शुगर्स प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर है, एक आपके पास डीऑक्सी राइबो शुगर है और एक आपके पास राइबो शुगर है। और ये तो था पेंटोज शुगर के बारे में कि 5-कार्बन शुगर है और ये हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, एक डीऑक्सी राइबो की फॉर्म में और एक राइबोस फॉर्म में। और इनमें फ़र्क क्या था? एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव था और एक में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव है उसे हम डीऑक्सी राइबो शुगर कहते हैं, और जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और ऑक्सीजन रिमूव नहीं है इसे हम राइबो शुगर कहेंगे। अब हम नाइट्रोजीनियस बेस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजीनियस बेस आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, दैट इज प्यूरीन एंड पैरामिडीन्स। प्यूरीन बेसिकली इट इज़ द डबल रिंग स्ट्रक्चर, वाइल द पैरामिडीन्स आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है, नाइट्रोजीनियस बेसिस दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है, प्यूरीन एंड पैरामिडीन। जो आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हमने पहले जो भी पढ़ा है, तो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस में एडेनिन है, थायमिन है, गवानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी हमारे पास प्यूरीन्स हैं और कौन सी हमारे पास पैरामिडीन्स हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेंगी? दो फॉर्म में, या प्यूरीन्स होंगी या पैरामिडीन्स। प्यूरीन्स मीन्स इट इज़ अ डबल, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर बना रही हैं वो हमारे पास प्यूरीन्स हैं, और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बना रही हैं वो हमारे पास पैरामिडीन्स हैं। अब हम देखते हैं, पहले जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो पैरामिडीन्स है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है,
और इस जनरल स्ट्रक्चर में आप ये देखें, अगर तो NH की 2, या अब आपने ये बात याद रखें कि तीनों में ये ऑक्सीजन क्या है, सेकंड कार्बन पे अटैच होगा, और अगर यहाँ पे क्या हो NH2 अटैच हो जाए तो ये साइटोसिन बन जाती है। इधर क्या है, डबल बॉन्ड, और ये देखें डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, ये अगर अटैच हो जाए तो आपके पास यूरासिल बन जाएगी, और यूरासिल ओनली फाउंड इन RNA। जो यूरासिल होती है वो सिर्फ RNA में पाई जाती है, DNA में प्रेजेंट नहीं होती। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस जो आपके पास 5 कार्बन है उसके साथ मिथेन, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये अटैच हो जाए तो आपके पास ये जो बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं थाइमीन। तो आपने बात याद रखनी है कि आपको जनरल स्ट्रक्चर आना चाहिए, कि ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है। इस जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि तीनों के कार्बन 2 के साथ क्या ऑक्सीजन मौजूद है, डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, और अगर तो इधर क्या आ जाए C4 पे NH2 माइनोग्रुप आ जाए तो आपके पास साइटोसिन है, अगर ऑक्सीजन आ जाए, सिर्फ ऑक्सीजन आ जाए तो आपके पास यूरासिल है, ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप आ जाए तो आपके पास थाइमीन है। और ये बात याद रखनी, यूरासिल इज ओनली फाउंड इन RNA एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, वाइल थाइमीन इज ओनली फाउंड इन DNA एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन RNA। प्यूरिन्स, प्यूरिन्स आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। आपने याद रखना है कि अगर इसके कार्बन 6 पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए तो ये एडेनिन बन जाती है, और अगर आपके पास इधर कार्बन 6 तो आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन, और कार्बन 2 पे अमाइनो ग्रुप आ गया तो ये आपके पास गवानीन बन जाएगी। तो ये तो था कि आपके पास प्यूरिन्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो प्यूरिन्स आपके पास एडेनिन और गवानीन है, और पायरिमिडिन्स आपके पास कौन सी है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन है। और इनमें फ़र्क कहाँ से आ रहा है, इनके ग्रुप्स में फ़र्क आ रहा है, तो इस वजह से इनके जारी बात है स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट फॉर्म आपके पास पायरिमिडिन्स हैं और सेकेंड फॉर्म आपके पास प्यूरिन्स हैं। पायरिमिडिन्स आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सेकेंड वन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और आपने ये भी MCQs आ जाता है कि पायरिमिडिन्स कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन आपके पास पायरिमिडिन्स हैं। और आपने ये बात ये याद रखनी है कि जो यूरासिल है दैट इज़ ओनली फाउंड इन RNA और थाइमीन विच इज़ ओनली फाउंड इन DNA। और इसी तरह आपके पास एडेनिन और गवानिन जो हैं वो आपके पास जो हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये आपके पास प्यूरिन्स में आएंगी। तो ये तो था नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में। अब थर्ड वन जो है फॉस्फोरिक एसिड, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो, और आपने फॉस्फोरिक एसिड जो है आपने याद रखना है कि जो आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस है वो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगी, एंड द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। अब जो आपके पास जो बॉन्डिंग होगी फॉस्फेट ग्रुप की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर, तो उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज। इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये आपके पास बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस है, हमने जो है एडेनिन इधर ली है, ये एडेनिन आपके पास, ये आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है तो आपको पता है ये C1 है, ये C4 के साथ क्या हुई है, कनेक्ट हुई, और ये आपके पास C5 है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ये आपने पहले जो है कार्बोहाइड्रेट्स के रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जब हमने पढ़े थे, तो उधर भी ये इस स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड दिस इज कार्बन 5। तो कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर इज अटैच विद द नाइट्रोजीनियस बेस, एंड द कार्बन 5 इज अटैच विद द फॉस्फोरिक एसिड दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 5 विद फॉस्फेट, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो MCQs पूछा जा सकता है कि किस पोजीशन पे आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस जो है रैबोज शुगर के साथ अटैच होती है। रैबोज शुगर के साथ आपके साथ जो है
नाइट्रोजीनियस बेस हमेशा वन पोजीशन पे अटैच्ड होगी, कार्बन वन पोजीशन पे, पेंटोज शुगर की कार्बन वन पोजीशन पे। और फॉस्फेट ग्रुप आपका जो है वो राइबो शुगर साथ किसके साथ अटैच होगा, वो आपके पास फाइव जो कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा ये तो। और अब आपके पास इसी तरह ये फर्दर जो है ना ये देखें फॉस्फेट बॉन्ड जो आपस में बनते जा रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप आपस में बॉन्डिंग में करते जा रहे हैं और थ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गए हैं। तो ये तो आपने याद रखना है कि कैसे जो है आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है जी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये मॉलिक्यूल एक बेस एक शुगर और प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप आपके पास मिलकर जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दूं, ये मौजूद नहीं है, देन बेस और शुगर को मिला के हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड के में कितने यूनिट्स होते हैं, किन कौन कौन से यूनिट्स हैं, तो बेस शुगर एंड जो क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड होगा। और आपसे अगर वो न्यूक्लियोसाइड के बारे में पूछें कि न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, तो उसमें आपने याद रखना है कि आपके पास बेस एंड ओनली शुगर प्रेजेंट होती है, बेस एंड ओनली शुगर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो ये तो था आपके पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। और ये होल स्ट्रक्चर जो ये अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ये होल स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, मैनी या सेवरल यूनिट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, तो वो कैसे अटैच होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच टू द हाइड्रोक्सो ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर, वाइल द अनदर फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच टू द हाइड्रोक्सो ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर विच इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये जो कार्बन नंबर 3 भी जो राइबो शुगर पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो बॉन्डिंग में शेयर होता है और वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से बैकबोन बनती है, एक लॉन्ग चेन बनती है जो क्या, और उस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये कैसे बनती है इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। अब आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता है, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप वन न्यूक्लियोटाइड, बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप सेकंड न्यूक्लियोटाइड, बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप दैट इज अ थर्ड न्यूक्लियोटाइड। अब आपको ये भी पता है कि थ्री एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है शुगर के थ्री, ये थ्री एंड से क्या बनाता है, बेस कहाँ पे अटैच होती है, हमने पहले भी ये बात की थी, बेस हैज बी किस पर अटैच होगी, पेंटोज शुगर में या राइबोज शुगर में, आपने में ये आपको पता है कि वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगी, तो दैट इज द फर्स्ट कार्बन। वन टू थ्री, थ्री एंड पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और ये क्या होगा फोर, और ये फाइव ग्रुप पे क्या है फॉस्फेट जो है वो हमेशा फाइव जो कार्बन है उधर अटैच होता है। तो आपको अगर ये दो बातें अगर आपको ने अभी हमने पहले भी डिस्कस की, आप ये की पॉइंट है कि हमारे पास बेस किधर अटैच होती है फर्स्ट कार्बन पे और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है फाइव कार्बन पे, अगर आपको ये की पॉइंट याद है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना क्या होगा आसान हो जाएगा। और थ्री एंड पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, अब ये देखें इधर आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फाइव कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक्स द बॉन्ड विद फॉस्फेट, और इधर इस शुगर से तीसरे कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बॉन्ड बना रहा है इस फॉस्फेट के साथ। अब ये जो एक फॉस्फेट है वो एक तो बॉन्ड बना रहा है C5 के साथ और एक बॉन्ड बना रहा है C3 के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में जो आपके पास लिंकेज बनती है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, उसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप इज बॉन्डेड विद C5, the hydroxyl group of C5, and it is also attached with the hydroxyl group of C3 of another pentose sugar.
तो ये दो शुगर, ये जो दो शुगर्स के मॉलिक्यूल हैं आपको नजर आ रहा है, बहुत शुगर्स हैं, उनके दरमियान में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है एक जगह सी फाइव के साथ क्या करे, सी फाइव के साथ लिंकेज बना रहा है और एक जगह सी थ्री के साथ लिंकेज बना रहा है, दो जगह बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एंड इट मेक्स द बैकबोन ऑफ द चेन, जो है इसकी वजह से जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनती है तो बैकबोन बनती है, सेवरल जो है आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं और जिसकी वजह से एक जो है वो लॉन्ग चेन आपके पास बनेगी, एक पॉलीमर जो है वो फॉर्म करेगी जिसे हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये तो था आपके पास न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम इसकी टाइप्स ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।